अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आज मैं आपको अंडे की मिठाई बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही मज़ेदार होती है। ये मैंने 8 अंडे लिए हैं, 2 कप चीनी इसमें जाएगी, 2 कप घी जाएगा। अंडों को मैं सबसे पहले फेंटूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह अकबर। इनको बहुत ज़्यादा फेंटना है, जितना ज़्यादा फेंटेंगे उतनी ही ये मिठाई अच्छी बनेगी और दानेदार बनेगी। इसका दाना सोन हलवे की शक्ल की तरह दानेदार ही होगी। अब इसमें 2 कप चीनी ऐड करूँगी। ये मैंने उनको फेंट लिया है अंडों को अच्छी तरह, अब चीनी डाल के इनको अच्छी तरह से फेंटूँगी। तकरीबन 4-5 मिनट तक इसको फेंटना है। अब दूध में ये फेंटे हुए चीनी अंडे और चीनी दूध में ऐड करूंगी। दूध में डालकर इनको फिर दोबारा से फेंटना है अच्छी तरह। अब इसमें 2 कप घी भी ऐड करूंगी। ये 2 कप देसी घी मैंने ऐड किया है, इसकी बहुत खुशबू अच्छी आती है। अगर आपके पास ये ना हो देसी तो आप बना सकते, भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें मैंने इनको खूब फेंटा है, अभी मज़ीद मैं इनको फेंटूंगी। अब ये देखें 4-5 मिनट मैंने अब दोबारा फेंटा है और इसमें झाग बन गई है। अब इसको फेंटना बंद कर देना है और अब इसको चमचे के साथ हिलाना है। चम्मच इसमें मुसलसल फेरते रहना है आखिरी टाइम तक। अब दोबारा मैं इसको आपको दिखाती हूँ थोड़ी सी, इसकी जब शक्ल चेंज होगी। ये देखें अब ये गाढ़ा सा बन गया है। अब इसको ऐसे ही पकाते रहना है। अब ये देखें पक पक कर इस तरह से हो गया। अब ये इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है और ये ठोस शक्ल में आ रहा है। तकरीबन इस ये 1.5-2 घंटे तक इसको पकाना पड़ता है। अगर इसमें गुठलियाँ सी बन जाएं तो इसको दोबारा फेंट लेते हैं। अब ये देखें ये ठोस शक्ल में आ गई है, अभी इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। अब ये देखें गोल्डन ब्राउन शक्ल में आ गई है ये। अब इसको पकाना बंद कर देना है, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, और ये एक साइड को कर लेना है ताकि ये घी सारा बाहर आ जाए। अब ये घी एक साइड पे हो गया है और मिठाई एक साइड पे हो गई है। अब मिठाई को मैं बाउल में निकाल के दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से इसको करना है। ये देखें बाउल में या किसी परात में उसके नीचे घी, थोड़ा थोड़ा घी लगा लें ताकि ये साथ चिपके नहीं और निकालनी आसान हो। ये अब इसमें डालूंगी मैं और इसको डालकर अच्छी तरह से ऊपर से थपकना है ताकि ये अच्छे से जुड़ जाए। खूब दबा दबा कर इसको करना है। अब इसको गरम गरम कोई छुरी के साथ इस तरह से निशान लगा देने हैं, इसकी टुकड़ियों की शक्ल में इसकी शेप बना देनी है। और जब ठंडी हो जाए तब इसकी टुकड़ियां निकालनी है। अब इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। तब तक इसकी ये आपस में अच्छी तरह से जुड़ जाएगी और ये निकालना आसान होगी। अब ये देखें ये जम गई है। इसको दोबारा से परात को नीचे से थोड़ा सा गर्म कर लेना है ताकि ये फिर ये आसानी से नीचे से छोड़ देगी। थोड़ा सा गर्म करने के बाद फिर इसको ऊपर से गुठलियाँ निकाल लेनी है, परात के साथ ये आसानी से ऊपर से उठाई जाएंगी। फिर ये बहुत ही मज़ेदार की बनती है, ये आपको कहीं भी हलवाई के दुकान से नहीं मिलेगी। और इतनी मज़ेदार होती है कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाकर खाएंगे।
ये देखें सोन हलवे की शक्ल में इसके दानेदार बनते हैं, मगर कलर इसका गोल्डन ब्राउन करना है आपने, सोन हलवे की तरह ज़्यादा गहरा नहीं करना।